चीन ने एक बार फिर भारत को परेशान करने के लिए एक नई घोषणा की है। चीन ने कहा है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाकर उससे बिजली पैदा करेगा। उसकी इस घोषणा से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा हिस्सा और उसकी डाउनस्ट्रीम भारत में आती है। इससे चीन जब चाहे पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। चीन का दावा है कि इस योजना से उसे जल संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिलेगी, लेकिन इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बांध बन जाने से चीन अपनी मन मर्जी करेगा। उसका जब मन करेगा तो वो बांध का पानी रोक देगा, और जब मन करेगा तब बांध के दरवाजे खोल देगा, जिस वजह से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ आ सकती है। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस दौरान ये करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नदी का एक तिहाई पानी आता है, जिसके जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन इस खबर से भारत और बांग्लादेश चिंता में आ गए हैं। हालांकि चीन ने सभी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वो उनके हितों को भी ध्यान में रखेगा। बता दें कि पूरे चीन में पैदा होने वाली बिजली का 30% उत्पादन अकेले तिब्बत के इलाके में होता है। यहाँ अगर चीन बांध बनाता है तो वो सिर्फ बिजली उत्पादन के मकसद से ही बनेगा। वो पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोगों के जीने का तरीका, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी असर डालेगा।